बच्चों के तो लालों को झूठे मारो सालों को झूठा भाग झूठा बोल। यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में गुरुवार को हुए भर्ती घोटाले की जो घटना हुई है उसके चलते सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए अग्रसरित किया गया था। इस अध्यादेश में दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्था इत्यादि अनुचित साधनों के लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास व न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोष सिद्ध ठहराए जाने की दशा में 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः 5 से 10 वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय गैर जमानती एवं असमनीय होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।